हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आपका हमारे चैनल टूरिस्ट स्पॉट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो के हर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। कहते हैं सब छंदों में रसधार गुजती है, कहते हैं सब छंदों में रसधार गुजती है, प्रेम विरह वाली ही बस छंकार गुजती है। लेकिन उनको पता नहीं कि लिखता हूँ क्या, लेकिन उनको पता नहीं कि मैं लिखता हूँ क्या, मेरे छंदों में भारत की तलवार गूंजती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में एक महान योद्धा के प्रेम गाथा को बताने चल रहे हैं और उस जगह को दिखाने भी चल रहे हैं जहाँ पे ये प्रेम गाथा घटित हुई है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मौजूद वीर लोरिक काल की निशानियाँ उसकी वीरता की कहानी कहती हैं, लेकिन वह सच्चाई के कितने करीब है इसके कई प्रमाण इतिहास में ही दफन होकर रह गए। बावजूद इसके बताने के लिए बहुत कुछ ऐसा है जिसे वीर लोरिक के कालखंड का कहा जा सकता है। जिला मुख्यालय से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर मारकुंडी घाटी में एक पत्थर का टीला जो 2 खंडों में विभक्त है, यह अटूट प्रेम की निशानी का आज भी गवाही देता है। वीर लोरिक एक लोक विश्रुत ऐतिहासिक नायक है जो अपने शौर्य और अपार बल के लिए समस्त उत्तर भारत में विख्यात हैं। वीर लोरिक का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के गौरा गांव में पंवार गोत्र के एक क्षत्रिय यदुवंशी अहिर घराने में हुआ था। उनके काल निर्धारण को लेकर बहुत विवाद है। कई विद्वान उन्हें ईसा के पूर्व का बताते हैं तो कुछ उन्हें मध्ययुगीन मानते हैं। वीर लोरिक राजा बोच के वंशज भी माने जाते हैं जो सन 1167 से 1106 में राजा थे। रौबदार मूछें, 8 फीट ऊंचे भीमकाय शरीर के वीर लोरिक की तलवार का वजन 85 मण था। अगोरी के निकट ही महर सिंह नाम के एक यदुवंशी अहिर जागीरदार रहा करते थे। महर सिंह की ही आखिरी 7वीं संतान थी कुमारी मंजरी, जो अत्यंत ही सुंदर थी, जिस पर मोलागत की बुरी नज़र पड़ी थी और वह उससे विवाह करने की लालसा पाल रहा था। इस दौरान राजकुमारी मंजरी के पिता महर सिंह को लोरिक के बारे में जानकारी हुई और मंजरी की शादी लोरिक से तय कर दी गई। लोरिक को पता था कि बिना मुलागत को पराजित किए हुआ मंजरी को विदा नहीं कर पाएंगे, इसलिए लोरिक और मुलागत के बीच एक भीषण युद्ध हुआ और उसमें वीर लोरिक विजयी घोषित हुए। वीर लोरिक के साथ मुलागत और उसके कई मित्र राजाओं से युद्ध के प्रतीक चिन्ह किले के आसपास मौजूद हैं। मंजरी की विदाई के बाद डोली मारकुंडी पहाड़ी पर पहुंचने पर नवविवाहिता मंजरी वीर लोरिक के अपार बल को एक बार और देखने के लिए चुनौती देती है और कहती है कि कुछ ऐसा करो जिससे यहाँ के लोग वीर लोरिक और मंजरी की जोड़ी को याद रखें। लोरिक कहते हैं कि बताओ ऐसा क्या करूँ जो हमारे प्यार की अमर निशानी बनी रहे, प्यार करने वाला कोई भी जोड़ा यहाँ से मासूम भी ना लौटे। मंजरी लोरिक को एक विशाल चट्टान दिखाते हुए कहती है कि वे अपने प्रिय शमशीर से एक विशाल शिलाखंड को एक ही वार में 2 भागों में विभक्त कर दे। लोरिक ने ऐसा ही किया, अपने अपार बहुबल से अपनी 85 मण की विशाल तलवार से विशाल चट्टान को एक ही बार में काट दिया। वीर लोरिक और राजकुमारी मंजरी के प्यार की निशानी अभी भी जीवंत मौजूद है। आप भी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित इस निशानी को आकर के देख सकते हैं और वीर लोरिक के बारे में और भी अन्य गाथाएं जान सकते हैं। सूरवीर लोरिक वंशज आज भी मौजूद है जो बाद में यूपी से माइग्रेट कर बिहार जा बसे। प्रसिद्ध जमींदार और पहलवान दद्दन सिंह यादव इसी घराने से ताल्लुक रखते हैं
और वीर लोरिक के वंशज हैं। यहाँ गोवर्धन पूजा और अन्य अवसरों पर मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से साधु संत ब्राह्मण आदि यहाँ खौलते हुए दूध से स्नान कर वीर लोरिक को नमन करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।